ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एनडीए इंडिया और बसपा के तर अब चौथे मोर्चे ने आकार ले लिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने अपना दल कमेरावादी और AIMIM को साथ मिलाकर एक PDM न्याय मोर्चा बनाया है। बता दें कि अखिलेश यादव अपने तमाम मंचों पर PDA की बात करते नजर आते हैं, लेकिन पल्लवी पटेल के मंच पर भी अब PDA से तर PDM नजर आया। PDM को लेकर जब पल्लवी पटेल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का जो PDA है उसमें A को लेकर बहुत कंफ्यूजन थी। A को लेकर कभी आदिवासी हो जाता था, कभी औरत हो जाता था, तो कभी अल्पसंख्यक हो जाता था। इसलिए हमने अब PDA में से A को हटाकर M कर दिया है, जो कि मुसलमानों की बात करेगा। कि सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत पारदर्शिता के साथ लड़ी जानी चाहिए और PDM हमने इसलिए ये नारा दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं अल्फाबेट ए में कंफ्यूजन था। कभी वो आधी आबादी था, कभी वो अगड़ा था, कभी वो अल्पसंख्यक था, कभी आदिवासी हो गया और कभी जाते जाते ऑल हो गया। तो हमने कहा राजनीति में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। इसलिए उस ए के कंफ्यूजन को हटा करके हमने उनको जोड़ने का काम किया है जो वास्तविक रूप से इस देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण का शिकार है। मुझे लग रहा है कि आप सवाल के माध्यम से मुझे जवाब दे रहे हैं कि ओवैसी साहब कर सकते हैं और अखिलेश यादव जी कर नहीं पाए। नहीं, मैंने वही कहा कि आपने मुझे जवाब भी दे दिया। अब जहां उत्तर प्रदेश में PDA बनाम PDM होगा, तो वहीं दूसरी तरफ सामाजिक न्याय पर भी तमाम सवाल पल्लवी पटेल ने खड़े कर दिए। उन्होंने सामाजिक न्याय की बात करते हुए कहा कि तमाम दल, तमाम नेता सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो सब जानते हैं। पिछड़ा, दलित और मुसलमान समाज जिनके प्रति सरकार का जो रवैया है और मुख्य विपक्ष में बैठे जो लोग हैं वो इन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ चुप बैठे हैं और उनके जायज सवालों के नाम पर पीछे हट रहे हैं। तो ऐसे में आज हम सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ इन समाजों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न में अपने इस PDM न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए हैं। PDM मतलब पिछड़ा, दलित, मुसलमान, ये वो समाज है जो इस देश में सरकारें बनाता और गिराता है। और हमारा ये मानना है कि जब तक PDM को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ना स्थापित होगी और ना पूरी हो पाएगी। लखनऊ से संतोष कुमार की रिपोर्ट, UP तक।